दरभंगा शहर में सुबह सुबह दो दिनों से लापता युवक का मिला आम के बगीचे से लाश। इलाके में मचा भयंकर सनसनी। जी हां, आज नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुहंकरपुर चोरिया मंदिर के पास आम के पेड़ से प्लास्टिक के रस्सी में एक व्यक्ति का लटका हुआ लाश देखा गया है। वहीं बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति केवला गाछी के रहने वाला है, जो कि दो दिनों से लापता था। इधर इसका खोजबीन जारी था, उसी दौरान परिजन के द्वारा नगर थाना में शिकायत करने गया था तो परिजन को यह बोलकर टाल दिया गया कि यह मामला बहादुरपुर थाना का है। लेकिन ठीक इधर आज नीमा रोड के पास इस व्यक्ति का स्कूटी लगा हुआ देखा गया, साथ ही साथ आम के पेड़ से व्यक्ति का लटका हुआ लाश देखा गया। इधर मृतक का नाम राम सेवक भगत, उम्र 40 वर्ष के आसपास बताया जा रहा है। वहीं घटनास्थल पर सुहंकरपुर टीओपी के पुलिस, नगर थाना की पुलिस एवं सदर डीएसपी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची हुई है एवं निरीक्षण कर रही है। आगे देखिए परिजन और पुलिस पदाधिकारियों ने क्या कहा है मीडिया के समक्ष। इधर कुछ नहीं रहता है, नहीं आते हैं ज्यादा, बहुत रहता है पेट्रोलिंग के बीच बीच में जरूरी है। पानी है, पानी के लिए बोतल से, पानी के बोतल, पानी के बोतल कोई भीड़ नहीं खा ले देखिए। परसों 5 बजे 12 बजे दिन में जो हमारे तरफ से दुकान पर से जो चल गया वो डेरा रोजे आता है, उसके बाद हम सोचे 5 बजे के बाद तो रोज हमारे दुकान पर आना जाना रहता है, सामान वामान लेके आइबे करेगा। लेकिन वो भाई मेरा नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचने के कारण जो है हम माई को फिर फोन किए डेरा पर, तो माई बोले कि जे अथी भाई तो गेलो दुकान पर हमके नहीं पहुँचल, तो हम कहे हो सके गाड़ी खराब हो गए तो कहीं अटक गए होते, तेरे मोबाइल चार्जे में लागल है। हम कहे तब कहाँ से कितना से बतियब, हमें नहीं विश्वास भी, तो हम फिर कल दिन भिनसर में जो है करी देर दुकान खोल कर उसके बाद बौआ के हम बैठा कर हम चले लिए बाजार पिंटू जसवाल से सामान ले लिए दूध वाला, यहाँ जहाँ जहाँ हमारे बच्चा के हम तो कहियो मार्केट आल नहीं, तो हम पूछलिए कहाँ कहाँ बुआ दुकान है बता तू, तो बच्चा हमको पिंटू जसवाल के दुकान बता लगे, तो से सामान जो कमी रहे दुकान के से हम लग कर अपन जैसे झोला में लग कर चल दिलिए। उसके बाद जो लड़का हम संगे एगो संगी साथी रहे तो ओकरा कहे बुआ रे चल वही समय पता लगबे कहाँ उस समय निकाल होतो, उस समय पता लगाते हुए तकर बाद हम 12 बजे दिन में चल गए। कब से लापता है? परसों शाम से। परसों शाम से जी। तो आज कहाँ पर मिला उनका लाश? यहीं पर हाईवे है। क्या स्थिति में है? मर गया, कैसे? फांसी लगा लिया हुआ। अपने लगाया कि किसी पर शक है आपको? आप सर जी तो हम तो नहीं देखे जो किस पे को लगाया नहीं लगाया, हम की पता। क्या नाम है उसका? हाँ, उसका नाम क्या है? राम सेवक भगत। उम्र? 41 वर्ष। घर कहाँ है? घर यहाँ पर का है। मामला यही कि सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि गाछी में एक लाश लटकी हुई है, टाउन थाना अंतर्गत एरिया आता है डीओपी के अंतर्गत, और राम सेवक भगत नाम का एक व्यक्ति है, उनकी दुकान का बॉडी अभी पेड़ से लटकी हुई है, स्थिति थोड़ी संदेहास्पद है, एफएसएल की टीम बुलाई जा रही है, जाँच हो जाएगी। सर आप कह रहे हैं टाउन थाना अंतर्गत आती है, लेकिन प्रीता कह रहे हैं कि टाउन थाना में गए एफआईआर करने के, तो उसको लहरियासराय भेज दिया गया, ऐसा क्यों सर होता है? नहीं नहीं, लहरियासराय तो बिल्कुल नहीं भेजा गया, टाउन थाना की पुलिस ने को ही सूचना मिली है, टाउन थाना की पुलिस यहाँ आई। परिजन इस तरह का बोल रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा। देखने से सर क्या लग रहा है? संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है उनका, जमीन पर और भी कुछ है ऐसे परिस्थिति जन साक्षी जो संदेह उत्पन्न कर रहे हैं, एफएसएल की टीम बुलाई गई है, जाँच हो रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 6-7 महीना के अंदर में ये तीसरा घटना है। एक और घटना ऐसी हुई थी, लेकिन वो सिमिलर घटना नहीं थी, मिलती जुलती थी, बट ये थोड़ा संदेहास्पद है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अभी सवेरे सवेरे पता चला कि किसी का लाश टंगा हुआ है गाज से, तो हम लोग आए हैं और देखे हैं तो टंगा हुआ है। पुलिस आई है? पुलिस तो आई है, नगर सुबंगरपुर टीओपी की पुलिस आई हुई है, और लेकिन पता नहीं चल रहा है, तो अनुसंधान का विषय है कि किसी ने मार के रख दिया कि खुद फांसी लगा दिया। लेकिन आए दिन रत्नोपट्टी चौक से लेके नीमा वाला जो रास्ता है नीमा पुल का, आए दिन कुछ न कुछ घटना होती है, यह नशा खुरानी गिरोह सबका जैसा लग रहा प्रतीत हो रहा है। दो गो लाश पहले टंगा हुआ मिला,
एक लाश और टंगा हुआ मिला। तो आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है, पेट्रोलिंग पुलिस की नहीं हो रही है। शुभंकर को टीओपी जब भी खुला उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, आए दिन कोई ना कोई घटना घट रहा है। इस घटना में सबसे ज़्यादा टेबलेटिया सब जो है, जो नशा का टेबलेट खा 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 उत्पात मचाता है, काम धंधा तो कुछ है नहीं, किसी का लूट खसूट करना और उसमें लूट खसूट करने के बाद जो पैसा आता है उसे टेबलेट खाता है और उस पैसे का गलत ढंग से उपयोग करता है। इस पर प्रशासन का नज़र नहीं जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आए दिन यह घटना घट रहा है और बड़ा चिंता का विषय है। ऐसा नहीं कि अब लास्ट ही घटना है, आए दिन और घटना घटेगा। इस पर अगर प्रशासन, जिला प्रशासन संज्ञान ने लिया तो यहाँ बहुत बड़ा आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रहेगी। और नशेड़ियों पर कमान नहीं है। नीतीश सरकार कह रही है कि हम शराब बंद करवा रहे लेकिन कहीं कोई कमांड नहीं है, नशेड़ियों पर कोई कमांड नहीं है। शुभंकरपुर टीओपी खुलने के बाद भी यहाँ कोई कमांड नहीं है। परिजन के अनुसार कहा जा रहा है कि एफआईआर करने कल गया था लेकिन एफआईआर लेने से इनकार किया, ऐसा क्यों, ऐसा क्या कर? हम लोगों को भी पता चला है कि दो तीन दिन से लड़का गायब था, वो किडनैपिंग में था कि क्या था, इस पर संज्ञान प्रशासन नहीं लिया। और देखिए आज इस तरह का घटना घट गया। कहाँ पर लाश मिली है? लाश मिली है आपको चोरिया मंदिर से पहले जी एन मिया के पोखर है उसके बीच में, रत्नोपट्टी चौक से लेके नीमा पुल के बीच जो रास्ता है वाटर ब्रिज, उसी बीच में यह पड़ता है। क्या चीज से लटका हुआ लाश? यह आम के गाछ से लटका हुआ है। क्या चीज बांधे हुआ है गर्दन में? प्लास्टिक का रस्सी बांधे हुआ है। लड़का को पहचानते हैं आप? नहीं, हमने पहचानते हैं। कुछ जानकारी है आपको लड़का का? कहाँ का है लड़का? कहाँ का है इसे सुनी सुनाई बात है कि कहाँ का? तारालाही का है। इधर कोई दुकान उकान किराना गिलवा गाछ में दुकान करता था। ये अपना डेरा दुर्गा स्थान लिए हुआ था, शिवाजी नगर दुर्गा स्थान में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप पासवान हुआ। हम भाजपा नगर अध्यक्ष अनुसूचित के हैं, समाज सेवी भी है, लेकिन हम लोग को बहुत चिंता होता है। इस पर संज्ञान ने लिया प्रशासन तो हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा या आए दिन इस रास्ते में घटना घट रही है। अरे भाई थाना को